जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है स्विंग। तो स्विंग की हेल्प से हम जावा में विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने, ये एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि विंडोज़ पर चलती है। और आप इसमें देखेंगे कि जितनी भी जो एप्लीकेशंस हमारे विंडो पर रन होती हैं ये सब विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहलाती हैं। ये बिल्कुल सेपरेट रन होती हैं। देखेंगे आप यहाँ पर एक फ्रेम है, इसमें ये जो एप्लीकेशन है वो रन हो रही है। तो जैसे कि ये एप्लीकेशन है, ये देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेन्यू बार है, बटन है, यहाँ पर सर्च बार है, सर्चिंग है, टेबल्स हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। मैंने इसे क्लोज़ किया और मैं आपको एक और एप्लीकेशन दिखाता हूँ। मैंने इसे ओपन किया, ये देखेंगे आप, ये एक दूसरा विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। ये सब मैंने स्विंग लाइब्रेरी की हेल्प से बनाए हुए हैं। तो हम स्विंग की हेल्प से ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं वो बना सकते हैं। तो हम जावा का डॉक्यूमेंटेशन हमने ओपन किया हुआ है। जावा के डॉक्यूमेंटेशन में आप देखेंगे हमारे पास एक पैकेज है javax.swing। आप देख सकते हैं यहाँ पर javax.swing, इस पर मैंने क्लिक किया। तो ये जो पैकेज है, इस पैकेज में जो भी ज़रूरी क्लासेस हैं स्विंग एप्लीकेशन बनाने के लिए वो सब यहाँ पर हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे जे एप्लेट, जे बटन, जे चेकबॉक्स, जे कलर चूसर, जे कॉम्बो बॉक्स, इन सभी क्लासेस का यूज़ करके हम एक स्विंग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्विंग एप्लीकेशंस क्या होती हैं और हम इस लाइब्रेरी को क्यों पढ़ने वाले हैं।